नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज गुरुजी में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और शानदार वीडियो जो कि है टीवी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं टीवी का आविष्कार किसने किया और सबसे पहले यह कब बना। अगर नहीं जानते तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही रोचक जानकारियाँ हैं। तो दोस्तों, टेलीविज़न जिसे टीवी के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग चलती छवियों और ध्वनि को दूर तक प्रसारित करने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। टेलीविज़न के आविष्कार का पता 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लगाया जा सकता है, जब विभिन्न वैज्ञानिक और आविष्कारक उन तकनीकों के साथ प्रयोग कर रहे थे जो चलती फिरती छवियों को प्रसारित और प्राप्त कर सकती थी। दोस्तों, इस क्षेत्र के शुरुआती अग्रदूतों में से एक पॉल निपको थे, जो एक जर्मन आविष्कारक थे जिन्होंने 1884 में पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीविजन प्रणाली विकसित की थी। उनकी प्रणाली ने छवियों को स्कैन करने के लिए इसमें छेद के साथ एक घूर्णन डिस्क का उपयोग किया था, जिसे तब प्रसारित किया गया था और एक स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया था। अगले कुछ दशकों में कई अन्य अन्वेषकों ने टेलीविजन प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनमें व्लादिमीर जॉर्किन, फिलो फॉर्न्सवर्थ और जॉन लोगीबेट शामिल थे। जॉर्किन ने आइकोनोस्कोप का आविष्कार किया तथा एक प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन कैमरा जिसे ट्यूब, जबकि फॉर्न्सवर्थ ने इमेज डिसेक्टर विकसित किया, एक उपकरण जो छवियों को इलेक्ट्रॉनिक संकेतों में परिवर्तित करता है। तथा दूसरी ओर बेड को अक्सर 1925 की दुनिया में पहली टेलीविजन प्रणाली बनाने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, 1950 के दशक में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत और 1990 के दशक में डिजिटल टेलीविजन के विकास के साथ 20वीं शताब्दी में टेलीविजन प्रौद्योगिकी की तेजी से आगे बढ़ती रही। आज टेलीविजन आधुनिक जीवन का एक सर्वव्यापी हिस्सा बना हुआ है तथा दुनिया भर में लाखों लोग समाचार, मनोरंजन और शिक्षा के लिए इस पर निर्भर हो रखे हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे टेलीविजन के कुछ तथ्यों के बारे में। टेलीविजन की अवधारणा को 19वीं शताब्दी में देखा जा सकता है, जब वैज्ञानिकों और अन्वेषकों ने लंबी दूरी पर छवियों को प्रसारित करने के तरीके तलाशने शुरू किए थे। 1884 में जर्मन वैज्ञानिक पॉल निपको द्वारा पहली टेलीविजन जैसी डिवाइस का आविष्कार किया गया था तथा यह छवियों को स्कैन करने के लिए एक घूर्णन डिस्क का उपयोग करता था, जिसे तब तारों पर प्रसारित किया जा सकता था। स्कॉटिश आविष्कारक जॉन बेड को व्यापक रूप से पहली सच्ची टेलीविजन प्रणाली का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है, जिसे उन्होंने 1925 में प्रदर्शित किया था। बेड की शुरुआती टेलीविजन प्रणाली ने एक यांत्रिक स्कैनिंग पद्धति का उपयोग किया, जिसमें एक चलती हुई छवि बनाने के लिए कताई डिस्क और दर्पण का उपयोग किया गया था। 1927 में अमेरिकी आविष्कारक फिलो फॉर्न्सवर्थ ने पहली इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन प्रणाली का प्रदर्शन किया, जिसमें छवियों को प्रदर्शित करने के लिए कैथोड रे ट्यूब का उपयोग किया गया था। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली टेलीविजन प्रसारण 1928 में सिनेक्टेडी न्यूयॉर्क में WGY स्टेशन द्वारा किया गया था। 1936 में BBC ने नियमित रूप से टेलीविजन का प्रसारण शुरू किया, जो दुनिया की पहली सार्वजनिक टेलीविजन सेवा बन गई तथा पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध टेलीविजन सेट RCA TRK-12 1939 में पेश किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान टेलीविजन प्रसारण को निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि कई संसाधनों को युद्ध के प्रयास में बदल दिया गया था। रंगीन टेलीविजन पहली बार 1940 के दशक में प्रदर्शित किया गया था, लेकिन 1960 के दशक तक यह व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हुआ। 1950 और 1960 के दशक में केबल टेलीविजन की शुरुआत ने दशकों के लिए उपलब्ध चैनलों की संख्या में काफी विस्तार किया था। दोस्तों, पहला सैटेलाइट टेलीविजन प्रसारण 1962 में टेलस्टार उपग्रह का उपयोग करके किया गया था तथा पहला वीडियो कैसेट रिकॉर्डर VCR 1970 के दशक में पेश किया गया था, जिसमें दर्शक अपनी सुविधा अनुसार टेलीविजन कार्यक्रम रिकॉर्ड कर सकते थे और उन्हें देख सकते थे। 1990 और 2000 के दशक में डिजिटल टेलीविजन की शुरुआत ने
उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर और ध्वनि के साथ साथ एक साथ कई चैनलों को प्रसारित करने की क्षमता की अनुमति दी। पहला उच्च परिभाषा टेलीविजन HD TV प्रसारण 1990 के दशक में किया गया था और HD TV सेट 2000 के दशक में व्यापक रूप से उपलब्ध हो गए थे। दोस्तों, 2010 में स्मार्ट टीवी की शुरुआत ने दर्शकों को सीधे अपने टेलीविजन सेट से इंटरनेट और स्ट्रीमिंग सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति दी। पहला टेलीविजन रिमोट कंट्रोल लेजी बॉन्स 1950 में पेश किया गया था तथा पहला टेलीविजन पर समाचार प्रसारण 1940 में NBC द्वारा किया गया था। 1960 में जॉन एफ कैनेडी और रिचर्ड निक्सन के बीच पहली टेलीविजन प्रेसिडेंशियल डिबेट आयोजित की गई थी तथा पहला सुपर बाउल 1967 में टीवी पर प्रसारित किया गया था और तब से यह साल के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले टेलीविजन कार्यक्रमों में से एक बन गया है। दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाला टेलीविजन शो ब्रिटिश सोप ओपेरा कोरोनेशनल स्ट्रीट है, जो पहली बार 1960 में प्रसारित हुआ था। अब तक का सबसे अधिक रेटिंग वाला टेलीविजन शो MAS का अंतिम एपिसोड है, जिसे 1983 में प्रसारित किया गया था और इसे 105 मिलियन से अधिक लोगों ने देखा था। दोस्तों, 1959 में रंग में प्रसारित होने वाली पहली टेलीविजन श्रृंखला बोनांजा थी तथा पहला टेलीविजन विज्ञापन 1941 में बुलोवा घड़ियों द्वारा प्रसारित किया गया था। 1928 में दुनिया का पहला टेलीविजन स्टेशन सेनेक्टेडी न्यूयॉर्क में WRGB का प्रसारण हुआ था। एमी पुरस्कार जीतने वाला पहला टेलीविजन शो 1950 में पेंटोमाइम क्विज था। पहला 24 घंटे का समाचार चैनल CNN 1980 में शुरू किया गया था तथा पहला रियलिटी टेलीविजन शो एन अमेरिकन फैमिली 1973 में PBS पर प्रसारित हुआ था। तो दोस्तों, ये थे टीवी के बारे में कुछ रोचक तथ्य जो मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। इसी के साथ आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल नॉलेज गुरुजी को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं देवी सिंह लेता हूँ आपसे अलविदा। धन्यवाद दोस्तों।